दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मधुबनी में और हमारे साथ बिहार प्रदेश युवा महासचिव राजद के जो हैं राजद के महासचिव प्रदेश के आसिफ अहमद साहब हैं, साथ ही साथ ज़िला के जो अध्यक्ष हैं वो भी यूथ के मौजूद हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों में लोकसभा का चुनाव होना है और साथ ही साथ अगले ही साल फिर विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में आसिफ अहमद साहब हैं, आसिफ अहमद साहब आप तमाम लोग जानते हैं कि बिस्फी विधानसभा से एक प्रबल चेहरा के तौर पर देखे जा रहे हैं। दूसरी बात, अभी लोकसभा का चुनाव होना है तो आसिफ अहमद साहब साथ में हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के राजद पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, मधुबनी सीट को लेकर के क्या कुछ जो है अंदाजे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं, वैसे तो मीडिया की सुर्खियों में ये बात है कि मधुबनी सीट जो है वो राजद कोटे में जा रहा है, हालांकि अभी तक इसको लेकर के कोई औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये तो वक्त की बात होगी। अभी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ आसिफ साहब कहते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। अभी तो वैसे तो होली का मौसम है और रमज़ान का महीना भी चल रहा है, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर के अपने क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले लोगों को रमज़ान के महीने की मुबारकबाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ कल होली का त्यौहार है तो होली की सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आप सबसे मैं आग्रह करूँगा कि इस त्यौहार को ज़िम्मेदारी के साथ मनाएं, ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करें और इस बात का पूरा ख्याल रखें कि जो हमारे प्रशासन की सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका भी हम ध्यान रखें और बहुत ही अच्छे से, रंगों का त्यौहार है, अच्छे से इस त्यौहार को मनाएँ, खूब इंजॉय करें और मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाएँ। और इस त्यौहार का जो मूल संदेश है इसको भी हम अपने ध्यान में रखें, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर हम इस त्यौहार को मनाते हैं, तो इस मैसेज को भी हम अपने जीवन में ज़रूर उपयोग में लाएं। और फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आसिफ साहब, बात करें 2024 का लोकसभा चुनाव जो है उसकी लगभग घोषणाएँ हो गई हैं तारीखों की, अभी तक आपकी पार्टी जो है उनके द्वारा सीट समीकरण की घोषणाएँ नहीं हुई है कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मीडिया की सुर्खियाँ की जो सुर्खियाँ हैं और जो सूत्र है वो ये कहते हैं कि मधुबनी की जो सीट है वो राजद कोटे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अली अशरफ फातमी साहब का नाम भी चर्चे में है जी। अगर अली अशरफ फातमी साहब मधुबनी से चुनाव लड़ते हैं, क्या कुछ उनकी बिसात मधुबनी में होने वाली है, क्या तैयारियाँ हैं राजद की, क्या लगता है? क्योंकि राजद की सीट की बात करें, मधुबनी सीट कभी राजद के हाथ में नहीं रही जी, कम्युनिस्ट कांग्रेस का हमेशा से दौर रहा, बाद में बीजेपी ने यहाँ से हुंकार भरी और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चुनाव जीते हुए हैं यहाँ से। ऐसे में किस तरह से आप मोदी के चेहरे को हराने के लिए राजद तैयारी में जुटी हुई है, क्या कुछ तैयारियाँ? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तभी शुरू कर दी थी जब तेजस्वी यादव जी अपना रथ लेकर पूरे बिहार में एक यात्रा पर निकले थे और उन्होंने हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया था। हम तभी से तैयारियां कर रहे हैं और आज भी आप देखेंगे कि हमारे युवा राजद के जिला अध्यक्ष जी भी यहीं मौजूद है, क्योंकि हम लोग अभी भी पूरी तरह से ज़मीन पर काम कर रहे हैं और हम योजनाएं बना रहे हैं कि कैसे हमें अपने कैंडिडेट के लिए, अब वो महागठबंधन में जिस पार्टी को भी मधुबनी की सीट जाए, जो भी कैंडिडेट यहाँ आए, हम उन्हें जिताने का काम करेंगे। और इसके लिए हमने ज़मीनी काम पिछले एक महीने से शुरू कर रखा है और हम अपना काम बहुत आगे तक ले जा चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि चर्चाएँ हो रही है कांग्रेस और राजद के गठबंधन को लेकर के, बहुत सारी खबरें ऐसी भी आ रही है कि शायद ये गठबंधन बहुत ज़्यादा ना टिके, बहुत ज़्यादा ना चले। चर्चाएं हैं कि मधुबनी सीट है या फिर और भी सीट, चाहे बेगूसराय की सीट हो, चाहे पूर्णिया की सीट हो। विगत कुछ दिन पहले देखा गया कि पूर्णिया में पप्पू यादव जी जो हैं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और फिर वहां से बीमा भारती जी का भी अनाउंसमेंट हो गया। क्या गठबंधन, महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, हम नेचुरल पार्टनर्स हैं, हमारी आइडियोलॉजी एक है और हम एक ही रास्ते पर चलते हैं और देश सेवा का जो भाव है वो भी समान है हम दोनों पार्टी के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन टूटेगा, ये गठबंधन बना रहेगा, क्योंकि हम नेचुरल अलाई हैं और हम कदम से कदम मिलाकर अभी भी हम अपने क्षेत्र में मधुबनी लोकसभा में भी जब हम काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के भी जितने कार्यकर्ता हैं, जितने वर्कर्स हैं, वो कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पार्टी और शीर्ष नेतृत्व जिन कैंडिडेट को भी मधुबनी लोकसभा के लिए नामांकित करके भेजेंगे, उनको हम और कांग्रेस मिलकर जिताने का काम करेंगे।
एक सवाल मेरा रहेगा, ये मधुबनी लोकसभा, चूँकि आप मधुबनी से खुद ताल्लुक रखते हैं और बचपना आपने देखा है, मधुबनी शहर को देखा है, पिछले कुछ सालों में अगर बात करें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में, किस तरह का विकास आपने देखा है, क्या कुछ लगता है कि कमियां हैं मधुबनी में? देखिए, विकास जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, मुझे ऐसा मुझे लगता है, और मुझे मेरा मानना है कि मधुबनी के लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे। जितने बहुमत से मधुबनी की जनता ने लोकसभा सांसद को जिताकर दिल्ली भेजा, जितना बड़ा उन्हें जनादेश दिया, उस हिसाब से मुझे लगता है मधुबनी की जनता के साथ न्याय नहीं हुआ। जितना समय, जितना सरकारी फंड, क्योंकि आप देखें डबल इंजन की सरकार है, 20 साल से इस राज्य में बीजेपी का शासन है नीतीश जी के साथ, बीच में एक साल डेढ़ साल के लिए हटे होंगे वो, और सेंटर में भी 10 साल से उनका शासन है, लेकिन उस डबल इंजन सरकार के होने के बावजूद भी अगर हमें डेवलपमेंट और तरक्की के रास्ते पे आगे जाने के लिए सही न्याय नहीं मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब हमें भारतीय जनता पार्टी से कुछ भी उम्मीद बची हुई है। और मधुबनी के लोगों को भी ये एहसास हो गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो हमारे कैंडिडेट आएंगे उनको मधुबनी की जनता, मधुबनी के लोग अपना पूरा समर्थन देंगे और उन्हें जिताने का काम करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल, आप चूँकि बिस्फी विधानसभा से ऐसी खबरें भी हैं और लगातार आपको देखा जा रहा है कि आप वहाँ जा भी रहे हैं, और यकीनन आपकी एक प्रबल दावेदारी के तौर पर बिस्फी विधानसभा को हम तमाम लोग देख भी रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं विधानसभा को लेकर के? वैसे तो अभी मौसम लोकसभा का है, लेकिन कहा जा सकता है कि विधानसभा की तैयारियां जो है वो लोकसभा से पहले से आसिफ अहमद के द्वारा की जा रही है। जी, जी। कैसी तैयारियां चल रही है, क्या कुछ वक्त बताने वाला है, क्या कुछ जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, जैसा कि आपने स्वयं बताया कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के युवा विंग से जुड़ा हुआ हूँ और प्रदेश महासचिव हूँ युवा राष्ट्रीय जनता दल का, तो ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं और ख़ास करके युवाओं के बीच में जाऊं और उन्हें अपनी पार्टी का, अपने नेता का संदेश दूं और मुख्य धारा से जोड़ने का मैं काम करूं। तो वही काम मैं पिछले 1.5-2 सालों से कर रहा हूं, निरंतर कर रहा हूं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं लोकसभा की तैयारी कर रहा हूं, कुछ लोगों को लगता है मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन आज के डेट में मैं ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रहा हूं। मेरा काम है लोगों से मिलना, उन्हें अपनी पार्टी का और अपने नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी का संदेश देना और मुख्य धारा से जोड़ना, और ये काम मैं निरंतर करता रहूंगा, और अगर मेरी मेहनत रंग लाएगी तो ज़रूर पार्टी भी मुझ पर भरोसा जताएगी, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, तो ये हमारे साथ युवा प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद जी थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर के भी उन्होंने बताई है कि कांग्रेस और राजद के बीच जो गठबंधन के बीच अभी आजकल जो चर्चाएं चल रही है, इसे इन्होंने इस तरह से देखने की कोशिश की है कि हमारी और उनकी जो विचारधाराएं हैं राजद और कांग्रेस की, वो लगभग एक जैसी है, तो ऐसे में इस बात को कहना कि हमारा गठबंधन नहीं चलेगा ये नाइंसाफ़ी होगी, और उम्मीद है कि ये गठबंधन जो है नहीं टूटेगी। हालांकि अगर बात करें मीडिया में चल रही सुर्खियों के हिसाब से देखा जाए तो आज बिहार में मौजूदा वक्त में कांग्रेस और राजद के बीच में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये तो खैर वक्त बताएगा, अगले 24-48 घंटे में इन चर्चाओं पर भी विराम ज़रूर लग जाएगी। बात अगर करें बिस्फी विधानसभा को लेकर के, चूँकि बिस्फी विधानसभा से एक उम्मीदवार के तौर पर आसिफ अहमद देखे जाते हैं, हालांकि इन्होंने ये सीधे सीधे कहा है कि वो एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक नेता होने के नाते अपना जो फ़र्ज़ है वो निभा रहे हैं। अब वक्त बताएगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद किन्हें अपना उम्मीदवार बना करके बिस्फी में भेजती है। आप तमाम लोग अभी हमारे साथ इंद्रभूषण जी हैं जो कि युवा राजद के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के इन लोगों की क्या कुछ तैयारियाँ हैं, क्या कुछ तैयारी हो रही है आपकी? हम लोगों की सबसे पहले मैं ये रमज़ान के महीने में मुस्लिम भाइयों के लिए ये रमज़ान के महीने ईद की शुभकामना मुबारकबाद, और हिंदू भाइयों के लिए ये होली का बहुत ढेर सारी खुशियों के साथ, जिस तरह हरे भरे रंग, लाल गुलाब जो रंग हैं उसी तरह उसके जीवन में भी खिले, और जो आज होलिका दहन है उस होलिका दहन के दिन हिंदू रीति रिवाज के अनुकूल असत्य पे सत्य का विजय, माने भक्त प्रह्लाद जो होलिका का दहन किया था उस दिन से आज तक ये होलिका दहन के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। और आप तमाम मीडिया भाइयों को भी बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं, जिलावासी सहित देशवासियों को भी मैं युवा राजद की तरफ से सभी को हार्दिक नमन, आदाब, सलाम, नमस्कार करते हैं। 2024 की तैयारी हम लोगों को बहुत पूर्व से ही चल रहा है, और लोगों को जब आप क्षेत्र में जाइएगा, आप लोग पत्रकार हैं देखते हैं, ये लोगों में एक
एंटी कम्बेंसी है। जितना ये सरकार बीजेपी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जो यह अल्टा पलटी की है, उससे लोगों में नाराज़गी है। हम लोगों को जो अपना तैयारी है वो तो है ही, लोग सरकार के खिलाफ हैं, एंटी कम्बेंसी है। और ये सरकार आज तक पूरे देशवासियों को झूठा आश्वासन, 15 लाख रुपए हर के खाते में चले जाएंगे, मैंने वगैरह वगैरह का जो है ये ढोंग रस्ते हैं, ये झूठा आश्वासन, भ्रष्ट प्रशासन और लच्छेदार भाषण, इसके अलावा ये सरकार, मोदी सरकार ने लोगों को कुछ दिया नहीं, ठगा है लोगों को। ये ठगे का महसूस हो रहा है, लोग भारी मात्रा में उनसे नाराज है। कोरोना, छोटा बड़ा जो कुटीर उद्योग, जो छोटा बड़ा व्यवसाय था, उस सब का व्यवसाय खत्म हो जाना, लोगों का जो है सो बेरोजगारों का जो बाहर में जाके जहाँ कहीं रोजगार करता था, कहीं नौकरी करता था, चाकरी करता था, वो सारी समस्याएं बंद हो, जो सारे लोग पूरे देश की जो समस्याएं हैं आज अराजकता की स्थिति में फैली हुई, क्या जरूरी है, क्या अपराध है, जो भी उनके सामने, जिस तरह कंस जिससे लगता था कि ये हमारे राज को हड़पना चाहता है या ये हमारे खिलाफ में है, उसको उठा के जेल भेज देता था, कारागार में बंद कर देता था, उसी तरह ये मोदी सरकार इस तरह की रवैया अपना रहे हैं। जितने भी उनके खिलाफ बोलने वाले लोग हैं सभी को उठा के कारागार में बंद कर रहे हैं। ये लोग, मुझे एक चीज बताइए, ये तो ठीक है कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके कार्यकाल पे सवाल उठा रहे हैं, आपकी क्या तैयारी? हमारी तैयारी पूरी है, जो उनकी कार्यकाल है उनमें जो लोगों की नाराजगी है वो हमारी जीत है। एक सवाल बस आखिरी मेरा आपसे है, वो फातमी साहब को सुन रहे हैं कि यहाँ से टिकट दिया जा रहा है, अलीसर फातमी साहब को, फातमी साहब वैसे तो दरभंगा में पूर्व में सांसद रहे, क्या मधुबनी में नेताओं की कमी थी या क्या वजह थी कि अलीसर फातमी साहब को मधुबनी में भेजा गया? ये बहुत अजीब सी आप सवाल कर दिए। हमारे यहाँ जो भी कोई RJD के सिंबल लेके आएंगे, हम कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता जो भी फैसला लेंगे हम उनको मानने के लिए तैयार। बाहरी नेता भी चलेगा? कोई भी आए, ये पार्टी की इस समय परिस्थिति ऐसी है कि जिस किसी को भी दे दे उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, उनके साथ हम लोग कदम में कदम मिला के चलेंगे, उनको जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। और आपको साफ साफ मैं बता देता हूँ कि यह 19 का फिजा नहीं है, ये 24 की फिजा है, और 24 की फिजा में जनता उसकी किए कारनामे का सारे का जवाब वोट से देगा। चलिए ठीक है, तो ये हमारे साथ युवा जिला अध्यक्ष थे राजद के, इन्होंने अपनी बात रखी है। और आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, चूँकि अलीसर फातमी साहब काफ़ी चर्चे में हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो उनके इस फैसले को लेकर के और राजद के इस फैसले पर आपका क्या विचार है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।